हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ साबूदाने की खीर। इसे बनाना बेहद आसान है, आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप साबूदाना लेंगे और उसे अच्छे से पानी से साफ कर लेंगे 2 से 3 बार। इसे साफ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि साबूदाने के अंदर बहुत सा स्टार्च होता है। साबूदाने को अच्छे से रगड़ते हुए साफ़ करना है। देखिए, साबूदाना अच्छे से साफ हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे सोक करने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। देखिए, साबूदाना अच्छे से फूल गया है, ये अच्छे से सोक हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध लेंगे और दूध में 1 बॉईल आने का इंतज़ार करें। दूध में 1 बॉईल आ गया है, अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम कम कर लेंगे और इससे थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे और दूध में ऐड करेंगे 15-16 केसर के धागे और इसे साइड रख लेंगे। अब हम दूध को अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, जब तक दूध पककर आधा ना हो जाए। दूध को चलाते हुए पकाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दूध जल सकता है। हमें दूध को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। दूध पककर आधा हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे साबूदाना। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चलाते हुए पका लेंगे। हमें खीर को जब तक पकाना है जब तक खीर थोड़ी थिक ना हो जाए। देखिए, खीर पक पक कर काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। एक बड़ी चम्मच काजू जिनको बारीक कट किया है। एक बड़ी चम्मच बादाम जिनको स्लाइस में कट किया है। 1/2 बड़ी चम्मच पिस्ता जिसको बारीक कट किया है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चलाते हुए पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 6 बड़ी चम्मच चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे केसर वाला दूध। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। खीर को हमें चलाते हुए पकाना है। देखिए, खीर पक कर काफ़ी थिक हो गई है। हमें खीर की ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए, खीर दिखने में जितनी स्वादिष्ट लग रही है, ये खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट बनी है। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे कुछ केसर के धागों से, स्लाइस की हुई बादाम से, चॉप काजू से और थोड़े से पिस्ते से। साबूदाना खीर बनकर तैयार है। आप इसे ठंडा और गर्म सर्व कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।